बहुत तगड़ा शायर हूँ मैं, बहुत बहुत गंभीर आदमी हूँ मैं, ऑब्जर्वर हूँ बहुत तगड़ा सोसाइटी का। ये हनी सिंह के आगे आपने यो यो कैसे लगाया? मैं इंग्लैंड में रहा काफी टाइम, तो वहां पे बहुत सारे ब्लैक्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत दोस्ती रही, क्योंकि मैं बहुत हिप हॉप म्यूजिक में था और उन्हीं के लिए सब प्रोग्रामिंग करता था, उसमें कई सारे लोग थे। तो वहां पे कई अमेरिकन ब्लैक भी आते थे अपना काम कराने, क्योंकि इंग्लैंड इज इंडस्ट्री जहां म्यूजिकली बहुत रिच है सब कुछ, तो वहां फिर वही स्लैंग चलता रहा। मेरे साथ ये है कि मैं जब दिल्ली में होता हूँ तो दिल्ली के लोगों में घुस जाता हूँ, दिल्ली का ही एक्सेंट पिक करता हूँ और आइयो जाइयो और डूड यार क्या बोल रहा है, कम ऑन यार, ये यहाँ के दिल्ली का एक्सेंट है ना ऐसा। तो पंजाब में हमारे अलग एक्सेंट है, पंजाब में हमारे तीन पंजाब है, मालवा माझा दुआबा, तो मैं दुआबे से हूँ तो माझे का भी है वो। मैं आई वर्क ऑन एक्सेंट एंड एक्सेंट के ऊपर बहुत वर्क करता हूँ और डिक्शन के ऊपर बहुत वर्क करता हूँ। तो वो ब्लैक्स थे उनके साथ रहता था तो प्रॉपर उसी फ्लो में आ गया था। तो हम लोग योर को कहते, आपके को मतलब कहते थे यो यो वेज यो वेज यो पेन। सो यो यो हनी सिंह का मतलब ये था कि आपका अपना हनी सिंह, आई एम यू, आई एम ऑल योर्स। बड़ा मम्मी ने नाम रखा था हनी तो सिंह। बाकी जहां आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि सिख कम्युनिटी कनाडा की कह रही है कि ये शेम लेकर आता है, तो आप मेरे को सिंगर बताओ पंजाब का कौन सा ऐसा जो नाम के बाद सिंह लगाता है? कोई सिंगर नहीं है जो नाम के बाद सिंह लगाता है। एक मलकीत सिंह पाजी है हमारे, दैट्स इट, वो शुरू से लगाते रहे। मैं हनी सिंह से यो यो हनी सिंह बनने से पहले से नाम के पीछे सिंह लगाता आ रहा हूँ, आगे भी लगाऊंगा। बॉलीवुड में हूँ, हनी सिंह ही हूँ और हनी सिंह ही रखूंगा, और हॉलीवुड तक जाऊंगा अंग्रेजी में नहीं गाऊंगा, मैं पंजाबी में गाऊंगा, हिंदी में गाऊंगा, बाकी हिंदुस्तान की जो लैंग्वेजेस हैं जैसे गुजराती सीख रहा हूँ, मराठी सीख रहा हूँ, इन्हीं में गाऊंगा, ग्रैमी लेके आऊंगा और नाम के बाद गोरा मेरे नाम के बाद मिस्टर सिंह ही बोलेगा मेरे को। सो मेरे से ज्यादा धार्मिक कौन है फिर? कड़ा मैंने सजाया हुआ है यहाँ पे, तो बस ये कि मैं पखंड नहीं करता हूँ। हनी सिंह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, साफ सुथरे रास्ते से पहुंचेंगे, लोगों को कम आप दुश्मन बनाएंगे। बस वो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि दुश्मन मेरे को लगता है कि हैं दो तीन, इतने ज्यादा नहीं है, और ना जाने वाले लोग जाना है तो वो भी दुश्मन बन जाते हैं, वो भी चिढ़ने लग जाते हैं। तो अब यह कि मैं थोड़ा सोशल हो रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। पारिवारिक गाने आप बनाइए, को स्टारडम मुबारक हो हनी सिंह, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।